गाइस, हमारे न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हो हमारे पीछे, ये रहा मध्य प्रदेश की सीमा। तो यहाँ से दोस्तों आगे मध्य प्रदेश स्टार्ट हो जाता है। और आज के इस वीडियो में हम जा रहे हैं मध्य प्रदेश के सेलाना के अंदर, केदारेश्वर महादेव करके वहाँ पर जा रहे हैं। वहाँ पे झरना भी है और गुफा के अंदर महादेव जी के दर्शन कराते हैं आपको। बारिश का मौसम भी हो रहा है, ऐसा काफी शानदार, और रतलाम के अंदर पड़ रहा है ये। तो अभी यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर जाना है। तो गाइस, आप ब्लॉग में बने रहिए, बहुत ही शानदार नजारा। हम दोस्तों फाइनली हम अभी इंटर हो गए हैं मध्य प्रदेश के अंदर, और रतलाम जिला है ये। मौसम भी कितना प्यारा हो रहा है आज, बारिश वाला थोड़ा थोड़ा। ऐसे मौसम में घूमने का मजा ही अलग है। बहुत ज्यादा बारिश आ रही है यहाँ पर। तो हम तो मध्य प्रदेश की सड़क ही है, आप देख रहे हो, ये समतल समतल रोड है, एकदम पहाड़ी इलाका नहीं है यहाँ पर। ये मध्य प्रदेश का पहला चेक पोस्ट आ गया है, हम साइड से निकल रहे हैं। हम आ गए हैं अभी बड़ी सरवन के पास ही, और यहाँ पे बिल्कुल बारिश कम हो गई है। थोड़ा आगे जाने के बाद बड़ी सरवन आने वाला है, और यहाँ से रतलाम 35 किलोमीटर बचा हुआ है बस मात्र। लेकिन हम रतलाम नहीं जा रहे हैं, ये है बड़ी सरवन बाजार। ये मध्य प्रदेश के अंदर आता है, तो वहाँ जाने के लिए बाईपास से भी निकल सकते थे, लेकिन हम बाजार के अंदर से निकल रहे हैं। आपको दिखाते हैं यहाँ का बाजार भी। ये दोस्तों बाजार को हम पार ही करने वाले थोड़ी देर के अंदर, क्योंकि छोटा ही बाजार है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। ये बाईपास निकल रहा है और हम बाजार के अंदर गए थे, इसलिए आपको। और हम ये मेन रोड पर अटैच हो गए यहाँ से। ये मेन रोड आ गया है रतलाम। सेलाना बाजार के अंदर हम आए, वहाँ से फिर वापस जाएंगे। तो यहाँ पर कितनी ज्यादा समतल जमीन है और हरियाली हरियाली एकदम। ये आ गया दोस्तों सेलाना। इस बाजार के अंदर मंदिर बहुत ज्यादा है, और ये इस बाजार में ऐसा लग रहा है आकर के कि बहुत पुराने जमाने से हो, ऐसा लग रहा है ना। नया कुछ हाँ, थोड़ा कम, और बाजार पुराना ही, पुराना ज्यादा लग रहा है। पुराना पुराना मंदिर है इस बाजार के अंदर। और यहाँ से लेफ्ट साइड सेलाना से जाते हुए ये रहा, यहाँ से एंट्री हो रही है हमारी, हर हर महादेव। अडवाणिया गांव में पड़ता है। ये कितना ऊंचा बना हुआ है। तो ये अडवाणिया आ गया है, और ये सेलाना के अंदर ही है। और उसके बाद राइट साइड गए, और हम ये लेफ्ट वापस। ये है केदारेश्वर मंदिर का गेट, यहाँ से एंट्री होती है मंदिर की ओर। थोड़ा ही आगे है अभी, आने वाला, थोड़ा आगे जाने के बाद में बस आने वाला। यहाँ से बिल्कुल घाटी उतर रहे हैं हम। अब घाटी ही है, ऊपर हम नहीं गए, ये बिल्कुल नीचे ही जाना पड़ता है। यहाँ हम आ ही गए और इस मंदिर पर, और बारिश भी रुक चुकी है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर। लास्ट फाइनल है, यहाँ पर हम आ गए। ये नारियल है, और प्रवेश कर रहे हैं महादेव के इस मंदिर में हम आ गए। और यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पर कितने श्रद्धालु आ रहे हैं दर्शन करके के। दोस्तों उतर रहे हैं अभी, और सीढ़ियाँ ये देखो दोस्तों, श्री केदारेश्वर मंदिर देख सकते हो दोस्तों। और यहाँ पर ये चरना गिर रहा है। फाइनली आ गए हम यहाँ पर, तो आपको दिखाते हैं दर्शन करते हैं। चलो अंदर जाके और भी दिखाता हूँ आपको, विजिट कराता हूँ। बहुत ही प्यारा नज़ारा है यहाँ पर, और बहुत ही शानदार लग रहा है यहाँ पर आकर के। और एकदम जमीन के खड्डे की तरह है यहाँ पर, और आप यहाँ चेक करो ऊपर किस तरह से पहाड़ी यहाँ पर आ रखी है, और इतनी ऊँची है पहाड़ी देख सकते हो, ऊपर ही आ रखी है। अब मंदिर भी जाते हैं, दर्शन करते हैं, और आपको दिखाते हैं मंदिर, शिवलिंग का दर्शन आप भी करना है। और कमेंट में हर हर महादेव लिख देना दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों हम तीनों भाई आए हैं दर्शन करने के लिए, अभी चलते हैं अंदर दिखाते हैं आपको। चलो आगे। तो दोस्तों बस फाइनली आ गए हैं यहाँ पर। चल
दर्शन करके बहुत ही अच्छा लग रहा। और यहाँ पर देख सकते हो नंदी महाराज को भी प्रणाम करते हैं। यहाँ पर बहुत ही प्राचीन, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर प्राचीन लग रहा मंदिर। और ये जो हम घूम रहे हैं अभी यहाँ पर, ये भी पूरा ऊपर से पानी गिर रहा है यहाँ पर, और बहुत ही शानदार नज़ारा यहाँ पर हमें मिल रहा है। और ये देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही प्राचीन समय के ये यहाँ पर कलाकारी दिखा रखी है कि बहुत शानदार लग रहा है हमें यहाँ पर। और ये देख सकते हो दोस्तों, रतलाम सैलाना के अंदर पड़ता है। यहाँ पर माता जी हैं, जय माता। तो यहाँ पे दर्शन किए और अभी वापस निकल रहे हैं हम यहाँ से। बाहर का नज़ारा आप यहाँ, ये हम बाहर निकल रहे हैं वापस, लेफ्ट साइड जाएंगे और बांसवाड़ा की ओर जाएंगे। ये रोड दोस्तों, ये बाईपास हो जा रहा है रतलाम के लिए, ये देख सकते हैं। इससे ये हम सैलाना बाजार के रास्ते से गए थे अथवारिया, केदारेश्वर महादेव। ये रोड जा रहा है, ये जा रहा है डायरेक्ट बांसवाड़ा के लिए। तो ये जा रहे हैं कल्याण केदारेश्वर महादेव, यहाँ पर भी हम दर्शन करने जा रहे हैं। और ये वीडियो आपको बाद में देखने को मिलेगा, ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो गया, इसलिए इसको यहीं समाप्त करते हैं और आगे का वीडियो और मिलेगा आपको।